न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। भारतीय रेल देश के कई रेलखंड से जुड़ा, भागलपुर चलेगी राजधानी। भागलपुर शिवनारायणपुर के बीच विद्युतीकरण लाइन चालू होने के बाद अब यह सेक्शन देश के कई रेलखंड से जुड़ गया है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति के बाद पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदह से चलने वाली एक भी राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर के रास्ते नई दिल्ली के बीच गुजर सकती है। मंगलवार को CRS जांच के बाद मालदा मंडल के DRM यतेंद्र कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। DRM ने कहा कि अभी यह रेलखंड पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया है। ट्रेनों से लेकर मालगाड़ियों का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से किया जाएगा। भागलपुर में हर पंचायत में बनाए जाएंगे 2-2 सामुदायिक शौचालय। DM ने दिए कई निर्देश। भागलपुर में हर पंचायत में 2-2 सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। DM प्रणब कुमार ने अधीनस्थ पदाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिया है। उन्होंने हर घर नल का जल, पक्की गली नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली और मोटेशन में तेजी लाने को कहा। नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में जगह जगह लगाया गया बैरिकेडिंग, खुली रही दुकानें। नौगछिया शहर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी नौगछिया नगर पंचायत के कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी अब तक कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। सभी दुकानें सामान्य रूप से अभी भी खुल रही है। यहां तक कि शहर में 2 मॉल हैं, वे भी खुल रहे हैं। वाहनों का धड़ल्ले से परिचालन हो रहा है। आसपास के इलाके के लोग खरीदारी के लिए जमा हो रहे हैं। मंगलवार को नौगछिया शहर पूरी तरह से खुला हुआ था। बाजार में भीड़ के कारण जाम भी लग रहे थे। वहीं दोपहर बाद नगर पंचायत के द्वारा जगह जगह बैरिकेटिंग कर बैरियर तो लगाया गया, लेकिन बैरियर लगाए जाने के बाद भी दुकानें खुली हुई थी। पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी नहीं होने के कारण दुकानदारों द्वारा दुकान बंद नहीं किया गया था। नौगछिया नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार शुभन ने कहा कि पूर्व कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद जहां जहां बैरिकेटिंग किया गया था उन सभी स्थानों पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है। लोगों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करने को लेकर माइकिंग भी कराई गई है। सैनिटाइज करने का भी कार्य किया जा रहा है। मालूम हो कि एक सप्ताह पहले शहर में 1 कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसके बाद 2 दिन के अंदर शहर में 13 एवं नौगछिया थाने के 14 एवं 1 चाय दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बावजूद भी कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन नहीं होने पर नौगछिया SP, SDPO एवं नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को रिमाइंडर पत्र भेजकर कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन कराने का अनुरोध भी किया है, लेकिन अब तक बैरिकेटिंग की कार्रवाई हो पाई है। नौगछिया SP निधि रानी ने कहा कि संध्या समय दंडाधिकारी के साथ पुलिस टीम द्वारा सील का सख्ती से पालन हो इसको लेकर कार्रवाई की गई है। बुधवार की सुबह से सील का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 कोचिंग संचालक पर प्राथमिकी दर्ज। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी कंटेनमेंट के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में प्रशासन स्तर से नौगछिया नगर पंचायत क्षेत्र के 3 चल रहे प्राइवेट कोचिंग संचालकों पर प्रशासन स्तर से कार्रवाई करते हुए कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज की गई है। नौगछिया थाना क्षेत्र में नगर पंचायत क्षेत्र के पटना इंग्लिश क्लासेस के संचालक विपुल सर, सत्यमेव कोचिंग सेंटर संचालक रितेश कुमार एवं गौशाला के पास स्थित ट्रिक सेंटर के संचालक के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नौगछिया थाना के अस्थायी थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि 3 कोचिंग संचालक कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोचिंग का संचालन कर रहे थे। इस संदर्भ में 3 के विरुद्ध SP के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी के बयान पर नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आज कहां-कहां सर सील किया गया है? जितना भी मेन रोड से कनेक्टिंग रोड है उस सब को सील कर दिया गया है ताकि आम जनता सड़क पर भीड़ भाड़ ना इकट्ठा कर सके। ऐसा देखा जा रहा है सर कि बैरिकेडिंग के बावजूद उसके अंदर के दुकान खुले हुए हैं, बैरिकेडिंग के अंदर भी दुकान खुले हुए हैं और लोग आर पार हो रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है उन दुकानों के जो आदेश मिला था बैरिकेडिंग करना। नवगछिया के रंगरा चौक के BDO शिल्पी कुमारी बैद का हुआ तबादला। वीरेंद्र कुमार बनाए गए रंगरा चौक के नए BDO।
नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के निवर्तमान बीडीओ शिल्पी कुमारी बैद का तबादला हो गया है। इनकी जगह पर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के बीडीओ वीरेंद्र कुमार को रंगरा चौक का नया बीडीओ बनाया गया है। बताते चलें कि राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 160 बीडीओ का तबादला किया गया है, जिसके आधार पर वीरेंद्र कुमार को रंगरा चौक का नया बीडीओ बनाया गया है। पिंटू बने युवा जदयू नौगछिया के जिला उपाध्यक्ष। युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल ने अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए नौगछिया युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष नारायणपुर निवासी पिंटू यादव को बनाया है। सोनू जायसवाल ने कहा कि पिंटू यादव के कार्य कुशलता व पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि वे अपने कार्य व दायित्व को निष्ठापूर्वक जमीनी स्तर तक पहुँचाने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में साइकिल के साथ किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में सोमवार को देर शाम नौगछिया स्टेशन रोड पर आजाद हिंद मोर्चा के बैनर तले साइकिल के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर रहे थे। राजेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में इस कदर बढ़ोतरी हुई है कि आम लोगों के सामने साइकिल ही एकमात्र विकल्प है। दूसरी तरफ अब खेतों में किसानों को यांत्रिकरण से दूर होकर बैलगाड़ी और हल पर पुनः आना पड़ेगा। राजेंद्र यादव ने कहा कि एक तो कोरोना काल में आम लोग और किसान पस्त हो चुके हैं, दूसरी तरफ सरकार जनता पर ही अत्यधिक बोझ देकर शोषण और दमन करने का रवैया अपना रही है। राजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़े मूल्यों को वापस ले और व्याप्त महंगाई को कंट्रोल करें, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते हुए पहुंचेंगे। श्री यादव के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बिहपुर में राजद ने डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि को लेकर पीएम और सीएम का फूका पुतला। राष्ट्रीय जनता दल ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ बीहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। बीहपुर के डाक बंगला से पुतला लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारे लगाते हुए बीहपुर बाजार में पुतला दहन किया। पुतला दहन की अध्यक्षता युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष सतीश कुमार ने किया। मौके पर अरुण कुमार यादव, राजद जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान सहित कई अन्य उपस्थित थे। और आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि होने से जो आम आवाम, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर की जो आम दिन जो उपभोग की चीज है, वस्तु है, सारे वस्तु महंगाई के आसमान चूमने लगी, महंगा हो गया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एस्टेट परीक्षा रद्द करने का किया विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर इकाई के द्वारा एस्टेट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ शैक्षणिक शुल्क एवं रेंट माफ सहित अन्य शैक्षिक अराजकता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बजेगा ढोल खुलेगी पोल, बिहार सरकार के खिलाफ बोल रे भैया हल्ला बोल कार्यक्रम जेपी कॉलेज गेट पर ढोल बजाकर विरोध किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कॉलेज सहमंत्री मणिकांत कुमार ने किया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पंकज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने एसटेट परीक्षा रद्द कर यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार के युवाओं के प्रति बिहार सरकार की बेरोजगार करने की नीति है। नारायणपुर प्राचार्य को दिया गया विदाई। नारायणपुर प्रखंड के भंवरपुर दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रख्यात पंडित शशिकांत झा की सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अवकाश प्राप्त प्राचार्य मदन मोहन मिश्र ने किया। मौके पर पूर्व मुखिया करुणा कुमार झा, रमन झा, उत्सवानंद, आशीष सोनू सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे जीएस न्यूज परिवार के। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओई मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस, बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है
दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934851177। 9934855177।